हेलो फ्रेंड्स, आयशालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऑप्शंस की, जो कि हैं फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल्स। ये दोनों ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है हमारी फॉर्मेट एज टेबल। कोई भी डेटा जो आपने लिया है एक्सेल शीट में, अगर आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट डेटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगी, लाइट, मीडियम एंड डार्क। इनमें से कोई भी स्टाइल का आप टेबल अपने डेटा के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा कलर स्कीम का डिफरेंस है। तो मैंने एक स्टाइल सिलेक्ट किया है अपने टेबल के लिए। तो जैसे ही मैं स्टाइल को सिलेक्ट करती हूँ, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है क्रिएट टेबल का, और इस पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक रेंज लिखी हुई है। ये रेंज क्या है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपके डेटा को टेबल में डालना है। और नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है माई टेबल हैज़ हेडर्स, और इसका चेकबॉक्स जो है वो टिक है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने डेटा में हेडर्स दिए गए हैं। अगर मेरे डेटा में हेडर्स ना होते तो यहाँ पे ये चेकबॉक्स जो है वो टिक ना होता। तो मैंने इसी हेडर्स को, ये रोल नंबर, साइंस, इनको टेबल के हेडर भी बनाना है, तो मैं इसको करूँगी ओके। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो चुका है। और ऊपर आप देखिए टेबल डिज़ाइन, एक नई टैब जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है उसमें मेरे हेडर्स तो आ गए हैं, लेकिन उसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली ये है फिल्टर। इसको हटाने के लिए आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए टेबल डिज़ाइन फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें आप टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर बटन है, इसको आप अनचेक कर देंगे। एक तो ऑप्शन ये है, सेकंड है या फिर आप डेटा टैब में जाइए, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको फिल्टर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो वापस चलते हैं इसी ऑप्शन पर। ये तो हैं कुछ इनबिल्ट आपके पास ऐसे स्टाइल्स जो आप अपने टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से अपना कोई टेबल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपसे नेम पूछा जा रहा है। आप अपने जो भी आपने स्टाइल क्रिएट करना है टेबल का, उसको आप एक नेम प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे LA लिखा है। और नीचे आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं कि जो भी हम स्टाइल क्रिएट करेंगे वो टेबल के कौन से एलिमेंट, मतलब किस पार्ट पर अप्लाई होगा। तो मैंने पूरे टेबल पे अप्लाई करना है तो मैं होल टेबल पे सिलेक्ट करूँगी। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और नीचे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी फॉर्मेटिंग है टेबल के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी फिल कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो नीचे आपको ये सैम्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं करूँगी ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगी तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आपके टेबल के ऊपर ऐसा कुछ लेआउट जो है आपको दिखाई देगा, और इसको मैं कर दूँगी ओके। तो जैसे मैं ओके प्रेस करूँगी, आप देख सकते हैं ऊपर मेरा एक कस्टम नाम से, एक अलग से जो मैंने क्रिएट किया था स्टाइल, वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप किसी डेटा के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, या मैं कुछ अलग डेटा यहाँ पे ले लेती हूँ। तो मैंने कुछ भी डमी डेटा ले लिया है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये जो कस्टम मैंने अभी क्रिएट किया था स्टाइल उसको अप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे कॉलम वन इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडर प्रोवाइड नहीं किया है। आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से
आप अपना कोई भी स्टाइल क्रिएट करके सेव कर सकते हैं और इस स्टाइल को आप किसी भी डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्टाइल की। सेल स्टाइल का मतलब क्या है, जो भी आपके वर्कशीट में ये सेल्स हैं इनके ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तो ये ऑप्शन वहाँ पे काम आती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने हमें बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। सिर्फ आपने सेल पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोबारा से मैं इन्हीं को सिलेक्ट करती हूँ, सेल स्टाइल पे जाएंगे, कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर आपका स्टाइल जो है आपके सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक सेल हो या फिर नंबर ऑफ सेल्स हो, किसी पे भी ये सेल स्टाइल्स जो है वो आपके अप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर सेल है, इसको मैंने चेंज करना है, तो ये देखिए इस तरह से आप किसी भी सेल के ऊपर कोई भी स्टाइल जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। हेडिंग्स के लिए भी आपके पास है, जैसे मेरे हेडिंग है ये देखिए, तो ये रोल नंबर उस पर्टिकुलर स्टाइल में चेंज हो गया है। तो जैसे हमने टेबल स्टाइल क्रिएट किया था, सेम वे में हमारे पास सेल स्टाइल क्रिएट करने की भी ऑप्शन है। अगर आपने कोई डेटा अपना करेंसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब हम अपना एक सेल स्टाइल क्रिएट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं एक सेल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करूँगी। तो मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और बॉर्डर क्रिएट कर दिया। और एक फिल कलर कर दिया। तो कुछ फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो अब मैं सेल स्टाइल्स पे जाऊँगी, न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे उस स्टाइल का नेम प्रोवाइड करूँगी। तो मैंने LAA लिखा। अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है इस पॉइंट पे तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी आपकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जो फॉर्मेटिंग मैंने उस सेल पे की थी वो सब यहाँ पे विजिबल है। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल करूँगी तो यहाँ पे मैंने स्टाइल नेम लिखा और इसको कर दिया ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक कस्टम सेल स्टाइल क्रिएट हो चुका है और ये सेल स्टाइल मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे, इस कस्टम पे क्लिक करेंगे तो देखिए, तो आप देख सकते हैं किसी भी सेल पे आप ये स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने सेल्स के लिए कोई भी स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है मर्ज स्टाइल्स। अब मर्ज स्टाइल्स है क्या बेसिकली, अब जैसे मैंने इस शीट में एक सेल स्टाइल क्रिएट किया है, मैं चाहती हूँ सेम सेल स्टाइल मेरे दूसरी शीट में भी आए, लेकिन जैसे ही मैं एक नई वर्कशीट ओपन करती हूँ, मैंने कंट्रोल एन किया तो ये नई शीट ओपन हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि वही जो कस्टम मैंने क्रिएट किया था LAA नाम से सेल स्टाइल वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। तो मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, सेल स्टाइल में गई, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो मैंने कस्टम क्रिएट किया गया मेरा सेल स्टाइल था वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मर्ज स्टाइल पे जाऊँगी। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले बुक नंबर सिलेक्ट करना है कि किस पर्टिकुलर बुक में मेरा जो सेल स्टाइल है वो है। तो बुक नंबर 2 है, इसको मैंने कर दिया ओके। तो जैसे मैंने ओके किया आप सेल स्टाइल्स पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं वो जो कस्टम सेल स्टाइल मैंने क्रिएट किया था वो अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो कोई भी आप सेल सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी उस सेल पे हो जाएगी। तो ये काम है आपके इस ऑप्शन का जिसको हम बोलते हैं मर्ज स्टाइल्स। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल के लिए भी स्टाइल खुद से क्रिएट कर सकते हैं और सेल के लिए भी स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।